अगली बड़ी खबर का हम रुक कर रहे हैं और ये खबर महाराष्ट्र से है, जहां मराठा आरक्षण के नाम पर जगह जगह आप जानते हैं हिंसा हो रही है, मामला बेहद गर्माया हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देती हूँ, महाराष्ट्र के कई जिलों में आंदोलन का असर देखने के लिए मिल रहा है। महाराष्ट्र के परभणी में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बीड, उस्मानाबाद में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बीड और उस्मानाबाद में तो दो दिन के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। उधर संभाजीनगर में आंदोलनकारियों ने ट्रैफिक रोका है। तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की ये आग जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो आंदोलन दो दिन पहले तक तो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था, अचानक से उग्र कैसे हो गया? बीड से लेकर सोलापुर तक, औरंगाबाद से लेकर पुणे तक आंदोलन में हिंसा क्यों भड़क गई? और इसका असर यह है कि मराठा आंदोलन पर अब सियासत भी तेज हो गई है। उद्धव गुट की शिवसेना ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सीधे निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं। संजय राउत कह रहे हैं राज्य के हालात तो मणिपुर जैसे हो गए हैं। सुनिए जरा। महाराष्ट्र की हालत मणिपुर जैसी हो गई है और मणिपुर के ऊपर जैसे सरकार का ध्यान नहीं है और मणिपुर जल रहा है, वैसे ही महाराष्ट्र लगता है कोई दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है कि जलने दो महाराष्ट्र। ना केंद्र की तरफ से, ना गृहमंत्री की तरफ से, ना प्रधानमंत्री की तरफ से उसके ऊपर कोई टिप्पणी आ रही है। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पूरी तरह से फेलियर है। सरकार मतलब तेजी से निर्णय नहीं ली कि लेने की तैयारी में है। शिंदे कमेटी का जो रिपोर्ट है ये जल्दी आएगा। मुझे लगता है कि भाई जरांगे पाटिल बोल रहे हैं कि भाई हम शांति से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह का किसी के घर पर हमला करना ठीक नहीं है। तो अब सवाल ये बड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से घेराबंदी एकनाथ शिंदे सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक की जा रही है, मणिपुर जैसे हालात या फिर सियासी जज्बा? दिमाग क्या लग रहा है आपको, महाराष्ट्र के मामले में मणिपुर की एंट्री ये पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? ये तो अपनी बात कहने का तरीका है, जो कह रहे हैं सज्जन उनकी बात कहने का तरीका तो और भी निराला है, उसको उससे जोड़ के देखा जाए। लेकिन अगर आप मुद्दा देखें तो क्या है कि इस समय वहाँ पर कैबिनेट की बैठक चल रही है जिसमें कैबिनेट में ये समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे हैंडल करना है। साथ ही कल सर्वदलीय बैठक है जो कि एक बड़ी खबर निकल के आने की उम्मीद है। हुआ क्या इस बार, ये जरांजे पाटिल जो हैं ये वेटर का काम करते थे, इस तरह के भूख हड़ताल वो पहले भी कर चुके हैं लेकिन बहुत छोटे लेवल के नेता रहे। इस बार क्या हुआ, और ये हर बार जब भी आप देखें मराठा आंदोलन का इतिहास, तो जब भी शरद पवार अपोजिशन में होते हैं उनको कोई मदद की ज़रूरत होती है तो वो एक मदद आ जाती है इस एजिटेशन के नाम पर। तो वही इस बार भी हुआ। इस बार जब ये शुरू हुआ तो उसमें दो फाड़ एक तरीके से ये हुआ कि एकनाथ शिंदे को भरोसा था कि वो जनांजय पाटिल से बातचीत करके उसको मना लेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो कि गृह मंत्री हैं उनको उनकी राय थी कि इसको किसी तरह से दबा देना है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वहाँ पर लोग घायल हुए, पूरे महाराष्ट्र में एक तरीके से उफान आया, ये लगा कि भाई मराठा पिट गए। हालांकि पुलिस वाले उसमें ज़्यादा पिटे पर इमेज ये बनी कि यहाँ पुलिस वालों को मारा देवेंद्र की पुलिस ने, मारा मराठा लोगों को पुलिस वालों को नहीं। तो इसलिए एक तरीके से अगर आप देखें तो जो मराठा का अगर आप हिस्ट्री देखें तो वहाँ कुछ मराठा कुनबी बन गए। सर मैं हिस्ट्री पर आती हूँ, एक मिनट मैं हिस्ट्री पर आती हूँ, लेकिन समीर जी जिस बात का जिक्र यहाँ पर दिमाग कर रहे थे कि मैसेजिंग ये हुई कि साहब फडणवीस के पुलिस वालों ने मराठाओं को मारा, फडणवीस से माफी मांगी उसके लिए। देवेंद्र फडणवीस जो है वो मराठा नेता नहीं है, एकनाथ शिंदे मराठा है, शरद पवार मराठा है, अजीत पवार भी मराठा है। तो ऐसे में ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो मराठा बड़ा नेता कौन, उसके वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर, एक पॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है क्या ये मुद्दा? देखिए मराठा आरक्षण को आपको थोड़ा पीछे जाके देखना होगा। कांग्रेस सरकार के समय भी 2014 के पहले जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले 2014 में मुख्य कांग्रेस सरकार ने राणे कमेटी बनाई थी। राणे कमेटी मतलब नारायण राणे जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री है, उस कमेटी को बनाया था कि ये मराठा को लेके आप बताइए क्या स्थिति है। नारायण कमेटी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि ये राज्य में 33% की आबादी है, 34% की आबादी है, लेकिन बहुसंख्यक किसान मराठा है और बाकी लोग जो है वो रोजगार गारंटी के अंदर काम करने वाले मजदूर है। सिर्फ मुट्ठी भर मराठाओं की जो उन्नति हुई है उसको पूरे समुदाय की उन्नति नहीं माना चाहिए और इन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देना चाहिए। इस आधार पर कांग्रेस सरकार ने इनको आरक्षण दिया था देवेंद्र फडणवीस के पहले, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने यह कहा कि चूंकि हमारे पास 3 आयोग की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि महाराष्ट्र के मराठा
वंचित वर्ग नहीं है इसलिए हम आरक्षण नहीं दे सकते। देवेंद्र फडणवीस ने तो विधेयक पास किया था, उनको आरक्षण दिया 16% दिया, सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज हो गया, उस समय उसको 12% कर दिया था, कम कर दिया था, और अपवाद के रूप में 50% ऊपर जाने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में टिका नहीं। अब जब ये मामला शुरू हो गया है फिर से अजित पवार और एकनाथ शिंदे के इसमें, तो सरकार के हाथ बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50 के ऊपर आप जा नहीं सकते। महाराष्ट्र के अंदर आप देखें, अगर आरक्षण नाम देखते हैं तो मैं समीकरण बता देता हूं कैसा है। वहां पर अनुसूचित जाति को मिलता है 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% मिलता है, पिछड़ा वर्ग को मिलता है वहां पर 27% और अन्य को मिलता है 2.5%। अब सरकार के पास समस्या ये है कि या तो वो ओबीसी में से तोड़ के देते मराठा को, अगर वो ऐसा करते तो तभी तो वो कुनबी में लाने की बात की जा रही है ना, मराठा उस पर आएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।